कार आज बात कर रहे हैं पत्रकारिता। सबसे पहले हम देखेंगे पत्रकारिता का अर्थ। पत्रकारिता का अर्थ क्या है? देश विदेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, देश हो चाहे विदेश हो, उसकी जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें एक स्थान पर संकलित किया जाता है। संकलित करने के बाद उन घटनाओं का संपादन किया जाता है। संपादन यानी एडिटिंग। एडिटिंग करने के बाद वो घटना समाचार के रूप में प्रकाशित की जाती है। इस विधा को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर रहे हैं पत्रकारिता के आयाम क्या क्या हैं। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से होता है। समाचार यानी आप जो न्यूज़ पढ़ते हैं उनसे, किंतु इसके अन्य आयाम भी हैं। इसके विविध आयाम किसी विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून आदि को भी यदि आप छापते हैं तो वह पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तो इसमें संपादकीय यानी एडिटोरियल जो लिखा जाता है किसी भी न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ पर। फोटो पत्रकारिता, जिसमें किसी फोटो से आप अपने विचार व्यक्त करते हैं। कार्टून को ना कार्टून बना करके किसी घटना को दर्शाना। रेखांकन यानी लाइंस के द्वारा खींच करके किसी भी घटना को दर्शाना। ये सब पत्रकारिता के आयाम है। बात करते हैं पत्रकारिता के प्रकार की। पत्रकारिता के विविध प्रकार कौन से हैं। यदि आप इस तरह से एक डायग्राम बना करके तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये पत्रकारिता के विविध प्रकार आसानी से याद रह जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है। विशेषीकृत पत्रकारिता होती है जैसे इसमें किसी विशेष क्षेत्र की यदि जानकारी दी जाती है तो उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। मान लो संसद की के बारे में सारी घटनाओं को संकलित किया जा रहा है और उसे समाचार के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है तो वह कौन सी पत्रकारिता हुई? संसदीय पत्रकारिता। न्यायालय पत्रकारिता, न्यायालय की जो घटनाएं हैं उनका जो वर्णन है वो सब न्यायालय की पत्रकारिता है। खेल पत्रकारिता में खेल से संबंधित सारे समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। आर्थिक पत्रकारिता में अर्थ जगत से संबंधित जो भी मुद्रास्फीति है, समाज में जो भी चल रहा है, आर्थिक जगत में जो चल रहा है, शेयर्स हैं, वो उन सब की घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। विज्ञान और विकास, विज्ञान के बारे में जिस पत्रकारिता में लिखा जाता है और डेवलपमेंट के बारे में, वह विज्ञान और विकास की पत्रकारिता है। अपराध पत्रकारिता में अपराध से संबंधित घटनाओं का संकलन करके उन्हें समाचार रूप में प्रकाशित किया जाता है तो यह अपराध पत्रकारिता कही जाती है। एक और पत्रकारिता जो है वो फैशन और फिल्म जगत की घटनाओं का वर्णन करना लिख कर या ड्रॉ करके या कार्टून बना करके या फोटो से, तो उसे हम क्या कहते हैं? फैशन और फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। ये तो सारी हो गई विशेषीकृत पत्रकारिताएं। इसके अलावा भी पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, जैसे वॉचडॉग पत्रकारिता। ये मुख्य रूप से क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आप सुन लीजिए। सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कही जाती है। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? एडवोकेसी पत्रकारिता किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे सांप्रदायिकता का मुद्दा मान लीजिए तो इसे उछालने के लिए कोई खास खबर प्रकाशित की जाती है। जैसे राम सेतु के विषय में के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए इसके पक्षधर जो हैं उस तरह की खबरें अखबारों में लिखते हैं तो यह क्या हुई? एडवोकेसी पत्रकारिता हुई। कोई भी विशेष मुद्दा
किसी भी मुद्दे को विशेष रूप से विशेषीकृत करके, यानी अपने पक्ष को उसमें जनमत इकट्ठा करने के लिए जो पत्रकारिता की जाती है उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है? प्रायः सभी पत्र और पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं। किसी भी अखबार का जो मालिक होता है उसके अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें प्रायः पूंजीपतियों का, सरकार का और विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता, यानी जो हटके, जो जिसके संबंध में सबका मत एक जैसा नहीं है, उससे अलग किसी घटना का वर्णन कोई करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। लेकिन इसमें सरकार और पूंजीपति का खास कोई योगदान नहीं होता है। पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? मुख्य जो प्रश्न है वो है पेज 3, इसे पेज 3 भी बोलते हैं। तो सनसनी या चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। भारत में ब्रिज्ड अखबार इस कोटि का अखबार है। पीत पत्रकारिता क्या है, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। सनसनी फैलाना, चकाचौंध या ग्लैमर के लिए फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। तो ये सब आपको मैंने विशेषीकृत पत्रकारिता के विविध प्रकार बताए। इसमें एक और तरह की पत्रकारिता भी होती है जिसे हम खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। खोज परक पत्रकारिता क्या है? सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोज परक पत्रकारिता का सहायता लिया जाता है। इसके अंतर्गत छुपाई जाने वाली सूचनाएं, जिनको लोग मुख्यतः छुपा करके रखते हैं, उन सूचनाओं की गहरी जाड़ जांच और पड़ताल की जाती है। उसके प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं। टेलीविजन में इसे स्टिंग ऑपरेशन के रूप में, आपने सभी ने स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा, तो उसके रूप में इसे जाना जाता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड जो हुआ था, इसी खोजी पत्रकारिता का उदाहरण है। तो ये मैंने आपको आज चैप्टर पढ़ाया पत्रकारिता। यदि आपके इसके संबंध में कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यदि आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।